दिल्ली दंगा, जिसकी चर्चा सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही बल्कि विदेशों में भी हुई। दुश्मन देशों ने इसी बहाने भारत पर कटाक्ष करने की भी कोशिश की। देश के अंदर ही कई पार्टियों ने इन दंगों को लेकर राजनीतिक रोटी भी सेकी, लेकिन क्योंकि अभी मामले की जांच जारी है तो धीरे धीरे दिल्ली में मचे बवाल की अब परत दर परत खुलती जा रही है और अब इसमें बड़ी बड़ी चिड़ियाओं के नाम सामने आ रहे हैं। चिड़ियाओं से मतलब है कि बड़े बड़े लोग जिनकी कभी आप दिल्ली दंगा करवाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और ये खुलासा दिल्ली पुलिस की हाल ही में दायर की गई एडिशनल चार्जशीट से हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिनके नाम है वो है सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और कार्यकर्ता अपूर्वानंद और वृत्त चित्र फिल्म निर्माता राहुल रॉय। इस साल दिल्ली में हुए दंगा मामले में इन सभी को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी चरम पर जाने, सीए के अलावा एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में अशांति और असंतोष फैलाने, साथ ही भारत सरकार के भी छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगा है। अपने अपने इलाके के ये जाने माने लोग तब शिकंजे में आए जब तीन महिला छात्राओं, जिसमें पिंजरा तोड़ के सदस्य और जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया की गुलफिशा फातिमा शामिल हैं, इन सभी को इन तीनों महिलाओं ने आरोपी बनाया है। इन्हीं छात्राओं ने इन नामों के अलावा जो नाम लिए उनमें फातिमा के मुताबिक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप कार्यकर्ता उमर खालिद और मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं जैसे पूर्व विधायक मतीन अहमद और विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं। देवांगना कलिता के मुताबिक उमर खालिद के कहने पर ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पिंजरा तोड़ के सदस्यों ने एनआरसी और सीए के विरोध में प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों में उमर खालिद की यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के पिंजरा तोड़ के सदस्यों के साथ देवांगना भी प्रदर्शन में शामिल थी। तीनों छात्राओं के खिलाफ मामले में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगे हैं, जिसके लिए कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा है। पुलिस ने उस बयान के बिना पर इन दो छात्राओं के बयानों को चार्जशीट में दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाफराबाद में चक्का जाम करने या फिर दिसंबर में दरियागंज में प्रदर्शन करने के लिए अपूर्वानंद और राहुल रॉय और जयती घोष ने उन्हें किसी भी हद तक जाने को कहा था। छात्राओं का कहना था कि उमर खालिद, चंद्रशेखर रावण, योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी और वकील महमूद प्राचा ने इस भीड़ को भड़काने और लामबंद करने का काम सौंपा था और इस सब के बाद तो पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की हिंसा आपको याद ही होगी, जिसके लिए एनएसए अजीत डोभाल को खुद पूर्वोत्तर दिल्ली की सड़कों पर उतर कर हालात को काबू में करना पड़ा था। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से मात्र दो दिन पहले सार्वजनिक किए गए आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कालिता और नरवाल ने दंगों में न सिर्फ साथ दिया बल्कि अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। छात्राओं से कथित तौर पर कहा गया था कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन करें और फिर किसी भी हद तक जाएं। 23 फरवरी 2020 से लेकर 26 फरवरी के बीच नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के दंगों पर पुलिस की तरफ से दायर की गई एक सप्लीमेंट्री शीट में ये नाम सामने आए हैं। ये वो दंगे हैं जिसमें थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 53 लोगों की मौत हुई थी, 581 लोग घायल हुए थे और 97 लोग ऐसे हैं जिनको गोली लगी। इन दंगों के पीछे इन बड़े बड़े लोगों के नाम होने से पुलिस महकमा भी खासा हैरान है। आपको याद हो तो ये दंगे तो जेएनयू से शुरू हुए थे और उसके बाद पूरी पूर्वोत्तर दिल्ली में फैल गए थे। अब आने वाले मानसून सत्र में ये मुद्दा उठेगा और जोर शोर से गरमाया भी जाएगा। फिलहाल तो आप अपना गुणा गणित लगाइए कि ये लोग कैसे दिल्ली दंगा मामलों में आरोपी हो सकते हैं। इन सब के नाम तो कहीं आसपास भी नहीं थे।